लेकिन जितना क्रेज टाइगर 3 के लिए होना चाहिए उससे ज्यादा महफिल एनिमल ने बटोरा है। गणपत का टीजर जिसमें इस बार छोटी बच्ची यानी कृति सेनन भी बड़ी हो चुकी है, और अब ये तो देखने वाली बात होगी कि डायनासोर्स वर्सेस किंग कॉन्ग की घमासान युद्ध में कौन होगा विजेता और कौन होगा बॉक्स ऑफिस पर लेटा। नमस्कार प्रणाम, वीकली एंटरटेनमेंट के दूसरे एपिसोड में मैं दिल और फेफड़े की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, जहां बताते हैं इंडियन सिनेमा से जुड़ी एक एक अपडेट। आइए देखते हैं बैरचन मजा आएगा। बात करें अपने पहले अपडेट की तो भाई इस वीक की सबसे बड़ी अपडेट जिसके आने के बाद समस्त ब्रह्मांड के जीव जंतुओं में कौतूहल मच गया था, मैं बात कर रहा हूं सालार वर्सेस डंकी की। अब देखो भाई इतिहास गवाह है कि जब 2018 में एसआर के अपनी जीरो लेकर आते हैं तो प्रशांत नील अपनी केजीएफ लेकर, जब केजीएफ हिट जाती है तो जीरो पिट जाती है। लेकिन भाई 2023 में एसआर के उस रेस के घोड़े हैं जिस रेस में बाकियों को एंट्री नहीं मिलने वाली। आपको बता दूं कि शाहरुख खान की दोनों फिल्मों ने इतने रिकॉर्ड इसलिए बनाए क्योंकि भाई इसको दूसरी फिल्मों के मुकाबले काफी ज्यादा स्क्रीन मिले। जब पठान को 8,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया जिसे इंडिया में 5,000 स्क्रीन मिले तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में 3,000 स्क्रीन, और ये इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी रिलीज भी मानी गई। और जवान में तो मानो इन्होंने पूरा इंडियन थिएटर से खरीद लिया, जब पूरे इंडिया में इसे 8,000 स्क्रीन मिले तो अदर कंट्रीज में 2,000। और भाई अब सालार भी इस स्क्रीन कब्जा करने की रेस में पीछे नहीं रहना चाहती और इसलिए फिल्म सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में 1900 प्लस लोकेशन पर रिलीज होगी और इंडिया में भी इसे 5,000 प्लस स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। और अब ये तो देखने वाली बात होगी कि डायनासोर्स वर्सेस किंग कॉन्ग की घमासान युद्ध में कौन होगा विजेता और कौन होगा बॉक्स ऑफिस पर लेटा। बात करें अपने अगले अपडेट की तो भाई ये भी अपने केजीएफ यूनिवर्स से आ रही है, जहां अपने रॉकी भाई केजीएफ माने कोलार गोल्ड फील्ड से सीधा बॉक्स ऑफिस पर KGF 3 से धमाका मचाने आ रहे हैं। और अब हुमेबल फिल्म वाले सालार के बाद सीधा पूरा फोकस KGF 3 पर देने वाले और अक्टूबर 2024 से इसकी शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली। आपको बता दूं कि इस बार KGF 3 पिछले पार्ट की प्रीक्वल होने वाली है, मतलब इसमें आपको रॉकी भाई और उनके US और 16 कंट्रीज के बिजनेस अंपायर के बारे में दिखाया जा सकता है। और सालार में तो KGF कनेक्शन देखने को मिलने वाला ही है। तीसरे पे आती है अपनी तारा सिंह की गदर 2 का अपडेट, जहां फिल्म ने सारे सिग्नल तोड़ के 525 करोड़ कमाकर हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म भी बन गई और भाई पठान को भी पीछू छोड़ दिया, लेकिन ये खुशी एक दिन के CM बनने जैसी ही थी और जवान ने उसी दिन 585 करोड़ कमाकर उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वैसे ट्विटर पर फेक कलेक्शन चिल्लाने वालों को SRK ने कहा कि चुप बैठ और नंबर्स गिनता रहे। भाई अपनी अगली अपडेट जब से आई है इसने सबका भेजा फ्राई कर रखा है और वो है एनिमल वर्सेस टाइगर 3 का टीजर। दरअसल इस वीक में कई टीजर्स और ट्रेलर्स आए जैसे मिशन रानीगंज, फिर टाइगर 3, देन एनिमल और आखिर में अपनी गणपत। लेकिन जितना क्रेज टाइगर 3 के लिए होना चाहिए उससे ज्यादा महफिल एनिमल ने बटोरा है, जहां टाइगर 3 के ट्रेलर पर 3 दिन में सिर्फ 13 मिलियन व्यूज है तो वही एनिमल के सिर्फ टीजर पर 2 दिनों में 28 मिलियन प्लस व्यूज है। और भाई रणवीर कपूर से भी ज्यादा पब्लिक आश्रम के बाद बॉबी देओल के लुक से काफी ज्यादा इंप्रेस दिख रही है। जहां भारत के बाद सलमान भाई ने कोई बड़ी फिल्म नहीं दी तो वही रणवीर ने बॉयकॉट के माहौल में भी ब्रह्मास्त्र से अच्छा बवाल काटा था। बात करें अपने अक्षय पाजी की मिशन रानीगंज की तो इसके ट्रेलर पर 4 दिन में 50 मिलियन प्लस व्यूज है और भाई OMG 2 से बाउंस बैक कर चुके अक्षय की ये फिल्म सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है, क्योंकि भाई जब भी अक्षय पंजाबियों वाला कैरेक्टर प्ले करते हैं तो क्या होता है वो हम केसरी में देख चुके हैं। मतलब भाई ये एक ऐसी फिल्म थी जो मुर्दों में भी जान फूंक दे, और खासकर वो टकला सिंगर बी प्राक का गाना तेरी मिट्टी, मतलब गूसबंप्स आना तो पक्का है। और एक बार फिर से मिशन रानीगंज में भी बी प्राक ने अक्षय के लिए गाना गाया है। आखिर में आता है अपने गणपत का टीजर जिसमें इस बार छोटी बच्ची यानी कृति सेनन भी बड़ी हो चुकी है, लेकिन इसके ट्रेलर का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और वैसे में ये फिल्म सीधा लियो जैसे आंधी से भिड़ने जा रही है, अब ऐसे में टाइगर श्रॉफ को भगवान ही बचाए। नंबर 5 पर सनी देओल को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें इस बार वो आमिर खान के साथ काम करने वाले। दरअसल आमिर फॉरेस्ट गंप यानी लाल सिंह चड्ढा के बाद अब चैंपियंस की कॉपी पर काम कर रहे, जिसके लिए पहले उन्होंने सलमान खान को भी अप्रोच किया था लेकिन सलमान खान ने कहा निकल पहली फुर्सत में निकल, जिसके बाद उन्होंने सनी देओल को ये फिल्म ऑफर की और उन्होंने ये फिल्म एक्सेप्ट भी कर ली। अगली अपडेट एक्टर विशाल को लेकर सामने आई है। दरअसल न्यूज सामने आई है कि उन्हें अपनी फिल्म मार्क एंटोनी की हिंदी सेंसर राइट्स के लिए 6.5 लाख का घूस देना पड़ा है। आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस टू माय ऑनरेबल महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे साहब एंड माय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साहब। जो हुआ फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए हमने ऑनलाइन में अप्लाई किया एंड ऑप्शन गिवन टू अस 6.5 लाख का प्राइस रखा सर्टिफिकेशन करने के लिए और सर्टिफिकेट मिलने के लिए। आपको याद ही होगा कैसे इन्होंने दरिया दिली दिखाते हुए पुनीत राजकुमार के डेथ के बाद 1800 अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी ले ली थी। अब उनके साथ भी अगर ऐसा होता है तो लानत है सेंसर बोर्ड के लोगों पर। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। बात करें अपने अगले अपडेट की तो भाई जहां कुछ लोग कह रहे थे कि बॉलीवुड ने थासू कमबैक किया है ये वो, तो भाई ऐसा सिर्फ बड़े स्टार्स के साथ हो रहा है। तो वही उरी वाले विकी कौशल की फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली कब आई और चली गई किसी को पता ही नहीं चला। तो वही अपने साउथ की स्कंदा वीकडे में भी 15 करोड़ की जबरदस्त ओपनिंग करके सबको हिला दे रही है। और बात करें विवेक अग्निहोत्री की फिल्म वैक्सीन वॉर की, जिसे ना किसी यूट्यूबर ने कुछ खास प्रमोट और रिव्यू किया और ना किसी क्रिटिक ने, फिर भी 12 करोड़ की फिल्म ने 2 करोड़ से खाता खोला। तो वही फुकरे 3 ने जहां पहले दिन 9 करोड़ कमाए तो वही दूसरे दिन 8 करोड़। अपनी अगली अपडेट है इटली कुमार को लेकर, जहां उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अब जवान के सीन्स देखकर उन्हें हॉलीवुड से ऑफर आए। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। इससे पहले जवान को ऑस्कर में भेजने को लेकर लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया था कि भाई जो फिल्म में मैगी होती है वो जरूरी नहीं वो ऑस्कर के लिए भी जाए। अपनी अगली अपडेट कुछ ऐसी अपकमिंग मूवीज को लेकर है जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे, जिसमें
पहले कांतारा को लेकर अपडेट आई है कि इस बार इसकी कहानी 300 से 400 एडी के टाइम की होने वाली है, जहां हो सकता है हमें पंजुरी देव की ओरिजिन की कहानी देखने को मिले। अब भाई जहां सिर्फ 16 करोड़ बनी इसके पहले पार्ट ने 450 करोड़ छापे थे, तो वही अब इसके दूसरे पार्ट पर 125 करोड़ लगाए जा रहे हैं। इसके बाद अपने यश यानी रॉकी भाई को लेकर अपडेट आई है कि अब वो केजीएफ की तरह गीतू मोहनदास के साथ गोवा के ड्रग माफिया पर बेस्ड कोई फिल्म कर रहे हैं। अब ये तो टाइम ही बताएगी कि पब्लिक इस फिल्म को एक्सेप्ट करती है रिजेक्ट। बॉक्स ऑफिस के मैदान में राजी गंगूबाई जैसी फिल्मों से चौके छक्के लगाने वाली आलिया फिर से करण जौहर के साथ अपने आने वाली फिल्म जिगरा पर काम कर रही है। नंबर 10 पर आती है सिंघम, जिसको बॉम्बे हाईकोर्ट के जज गौतम पटेल ने खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्में समाज में गलत संदेश भेजती है, जहां कोर्ट का कमजोर और पुलिस का राउडी और दबंग दिखाया जाता है और पब्लिक को भी इसी में खूब मजा आता है। वैसे इंडियन सिनेमा से जुड़ी एक एक अपडेट के लिए मैं सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए हर हर महादेव।